अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी जीएम अगेन एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर सभी को वेलकम। तो नेक्स्ट ईयर मैप के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। स्क्वाड की बात करें तो अली भाई पठान जीएम भाई और उसके साथ लाइव कुछ इस तरीके का नाम अपने साथ रहेंगे। दो प्लेयर्स रेंडम आए हुए हैं पीटीआई और साथ में जो लैब है वो रेंडम है। सामने अपनी साइड पे एक बंदा उतरा है, एक नहीं दो उतरे, यहाँ पे मैक्स सेवन आप लोगों को मिल चुका है। तो गाइस कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा आप लोगों को ग्रैंड मास्टर करने के लिए या रीजन पुश करने के लिए। तो सबसे पहले इसको मार लेते हैं। चलो यहाँ पे मैक्स सेवन से एक बंदे को कराया नॉक, 44 बंदे यहाँ पे आ लाए हैं। तो अगर कोई भी बंदा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, बिल नोटिफिकेशन AWL ऑल का साइन है तो उसके ऊपर कर लो। वीडियो को लाइक लाजमी से करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है क्योंकि ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शायद आप लोगों ने पहले सुनी हो। चलो यहाँ पे यूएमपी के साथ किंगफिशर शॉप के ऊपर एक बंदा रिवाइव कर रहा है जिसको काफी अच्छा 110 का हेडशॉट लगा है, हैकर एसएस कुछ इस तरीके का नाम, और इसके साथ ये बंदा भी कंफर्म। तो दो किल हम लोगों के यहाँ पे डन हो चुके हैं, 28 बंदे अलाइव है। ओके तो यहाँ पे पुल की साइड पे नीचे की साइड हम लोगों को बंदे नजर आए थे एक एक का, यहाँ पे काफी अच्छा हेडशॉट एक बंदा ऊपर की साइड भी है, लटके आए थे। ओहो लग जा भाई, हेड नहीं लगा भाई इसको, बहुत ट्राई करा है। आ चलो गई बॉडी मारा है भाई, सोने उसकी लग गई थी, उसने डिमिट्री लगा दी बट रिवाइव होने फायदा इसका कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे स्किल फेंकी है जैसे लॉक हो जाता है बट स्किल लॉक उसने तो पहले यूज कर लिया तो ये फेंकने का कोई फायदा हुआ नहीं। लड़की थी ना ये, लड़का कैसे आ गया भाई यहाँ पे, मर ही नहीं रहा। चलो यहाँ पे एक ही ब्रांड को भी अगेन हम लोगों ने नॉक कर दिया। टिप्स एंड ट्रिक्स की पहले बात करें तो आप लोगों को हर गेम भुइया चाहिए, भुइया चाहिए तो किस तरीके से आप लोगों ने, ओहो हैकर को दोबारा नॉक, एक और बंदा यहाँ पे लैंड होके आया है तो इसको भी तकरीबन एक या दो गोली पड़नी है क्योंकि अगर इसके पास वो लेवल 2 का वेस्ट नहीं होगा बहुत कम डैमेज पड़ेगा। ये क्या कर रहा है भाई, चलो एक ही में गोलियां खत्म हो गई थी बट ये चेक करो। सबसे पहले आप लोगों ने भाई हर गेम भुइया चाहिए, अब हर गेम भुइया चाहिए तो सबसे पहले आप लोगों ने मैप सब डाउनलोड करने हैं। आप लोगों के पास जितने मैप शो हो रहे होंगे हर अपडेट के बाद 3 मैप चेंज हो जाते हैं, यानी कि 2 मैप चेंज होते हैं और एक मैप जो है ना बरमूडा वो परमानेंट होता है। मैप डाउनलोड करने से आप लोगों का फायदा ये होगा, जैसे ही आप लोग गेम एंड करोगे तो आप लोगों को जो प्लस है ना वो 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि अगर आपको 90 या 100 का प्लस मिलता है तो उसको आप लोगों को 10 का प्लस और भी मिलेगा। यहाँ पे एक बंदा है, 10% तक आप लोगों को जो प्लस है ना एक्स्ट्रा मिलेगा वो आप किसी भी मैप के ऊपर खेल लो। मैप डाउनलोड होने चाहिए आप लोगों के। ओहो यहाँ पे काफी अच्छा है हेडशॉट, दूसरा बंदा भी पीछे की साइड रश करने के लिए। चलो सबसे पहली टिप्स जो है ये आप लोगों ने मैप डाउनलोड कर लेने लाजमी से। इसके बाद गाइज आप लोगों ने लॉबी जो खेलना है ना अक्सर टीम के साथ मोस्टली आप लोगों ने अपने गेम को स्टार्ट करना है 2 या 3 के साथ, 4 के साथ आप लोग कोशिश करेंगे नहीं करें क्योंकि 4 के साथ होता ही है कि फुली हार्ड ग्रैंड मास्टर रीजन प्लेयर्स के साथ आप लोगों को खेलना पड़ता है। तो रीजन प्लेयर्स के जो सर्वाइवर होते हैं तो वो तो एंड जोन तक सर्वाइव कर लेते हैं बट आप लोगों के टीममेट सर्वाइव नहीं कर पाते और आप लोग अर्ली मर जाते हो जिसकी वजह से माइनस वगैरह आप लोगों का बहुत ज्यादा होता है। तो इसके साथ हम लोगों ने 9 के लिए यहाँ पे डन हो चुके हैं, 19 बंदे स्टिल अलाइव है चेक कर सकते हो। और ये ऐसी बात नहीं है, स्क्वाड गेम है तो बार बार रिवाइव होते रहते हैं तो ये सीन होता है भाई। स्क्वाड के अंदर आप लोगों को काफी बेनिफिट मिलते हैं सोलो या ऐसे डुओ खेलने से, तो स्क्वाड में एक आधा बंदा बच जाता है फिर वो आपको रिवाइव करा लेता है, लेकिन अगर आप लोगों ने 4 के साथ स्टार्ट किया और फुली हार्ड लॉबी है तो आप लोग चारों मरने वाले हो क्योंकि आप लोगों के पास एक अच्छा सर्वाइवर होना नहीं है और ये जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनके पास एक अच्छा सर्वाइवर होता है जो कि एंड जोन तक सर्वाइव करता है, सिर्फ गाड़ी पकड़ के टोकन जमा करता है और टीममेट्स को रिवाइव करता रहता है। चलो यहाँ पे सामने की साइड भी बंदा है, M14 है अपने पास। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जो है ना गन बार बार स्विच करके मार रहा होता हूँ या गन चेंज करके। ये देखो पहले हम लोगों ने कुछ और गने उठाई हुई थी उसके बाद कुछ और, अब हम लोगों के पास M14 और UMP है। इसका सीन ये है कि भाई अपने को वेपन ग्लोरी इंक्रीज करना होता है ज्यादा से ज्यादा गनों की, तो अगर हम किसी गन से 2 बंदों को हेडशॉट मार लेते हैं तो उसके बाद हम लोग गन चेंज कर लेते हैं, ये सीन होता है। एक काफी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर है, इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये तो सबको बता दें, पता सबको होते हैं बट इस पे अमल कोई नहीं करता। सीन ये है जिसकी वजह से आप लोगों का हीरोइक से ग्रैंड मास्टर, मास्टर से ग्रैंड मास्टर नहीं होता और ग्रैंड मास्टर से आप लोगों का रीजन पुश नहीं हो पाता। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको आप लोगों ने लाजमी से फॉलो करना है। चलो यहाँ पे हम लोगों के 11 किल जरूर डन हो चुके हैं और 14 बंदे स्टिल अलाइव हैं। किसी ने अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब लाजमी से करना है क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगे और आप लोगों को कोई भी वीडियो जो का नोटिफिकेशन जो आप लोगों को मिल जाएगा जैसे कोई न्यू वीडियो आती है, तो ये लाजमी सी बात है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसका कोई इशू नहीं। आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाएगा जैसे न्यू वीडियो आएगी। ओके यहाँ पे शॉप की साइड एक और बंदा है भाई, ओहो ये क्या कर रहा है, ग्लू और पैलेट आ रहा था, किसी की साइड भी 2 से 3 बंदे हैं। ओ भाई लग जाए इसको,
अरे अरे अरे, ये हम लोग थोड़ा सा इसको इजी ले गए थे जिस वजह से मर गए हम लोग। अदरवाइज हेड के शॉट अगर बॉडी बॉडी मारते तो हम लोग मर जा रहे थे। हम लोग बार बार एम स्विच करके ऊपर की साइड खींच रहे थे जिसकी वजह से ना तो हमारा हेडशॉट लगा है बॉडी जमे से, बट हम लोग मर गए। बट रिवाइव होके दोबारा से हम लोग यहाँ पे आने वाले। तो दोस्तों यहाँ पे लाल जून है, सामने पुल की साइड भी एक आधा बनता है और नीचे की साइड भी है, एक नहीं दो बंदे पुल की साइड और एक आधा नीचे है। ओहो यहाँ पे प्लाज्मा से काफी अच्छा बॉडी डैमेज, दोनों ऊपर की साइड नॉक है। और यहाँ पे आली भाई जो कि ब्लू वर्ल्ड डाल के अपने को रिवाइव करने के लिए आ रहे हैं और सामने उनका टीममेट भी शायद उनको रिवाइव करने के लिए जा रहा है। तो गाइस टिप्स एंड ट्रिक्स पे अगर आप लोग अमल करते हो और जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया आराम से आप लोगों का मास्टर से तो ऊपर रैंक जाने ही वाला है इस सीजन, चाहे वो आप हार्डली पुश करो या नहीं करो। तो आराम से भी अगर आप लोग दिन में 3 से 4 गेम्स भी खेलते हो तो आप लोगों का मास्टर तक आराम से हो जाना, उससे 10,000 तक पॉइंट सब आप लोग ऐसे जा सकते हो। थोड़ा सा उसके बाद आप लोगों ने हार्ड वर्क करना है और ज्यादा से ज्यादा अगर आप 2 से 2.5 घंटे दिन में खेलते हो तो आप लोग आराम से ग्रैंड मास्टर पुश कर सकते हो। बाकी यार यहाँ पे सिर्फ एक बंदा रह गया है, किसी ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अगेन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज जो पे मेंशन करना चाहूंगा, अगर आप लोग मिशन नहीं करते तो वो भी करना चालू कर दो। ये होता क्या कि टीममेट स्मोक होगा ग्रेनेड का, आप लोगों ने उसको रिवाइव करना है, इससे भी 3 से 4 का प्लस होता है। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें।